चीज आया जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये एक और चाबी रखी हुई थी जेब में। यहाँ पे एक फ्रेशको का शॉप है, वहाँ से पुष्पाणि समर्पयामि। और सबसे बड़ा सरप्राइज था वो यही था कि हमने जो नंबर प्लेट मंगाया उसका नाम ही है भारत, उसका नंबर प्लेट ही भारत 01। तो इसके लिए ये कस्टम ऑर्डर हमने किया था, उसमें तो वेटिंग पीरियड दिखा रहा था 4 वीक्स का, बट जल्दी आ गया, अच्छी बात है। अभी इसमें जो गवर्नमेंट ने दी है वो वाला है, तो इसको हम इसमें रिप्लेस कराएंगे, सर्विस कनाडा या सर्विस ओंटेरियो जाके हमको ये चेंज कराना पड़ेगा। The next day. वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं कार को लेके सर्विस ओंटेरियो, जहाँ पे हमको जो पुरानी नंबर प्लेट मिली थी उसको चेंज करा के हम अपनी कस्टम नंबर प्लेट लगाने वाले हैं। तो जो पुरानी जो नई नंबर प्लेट है जो कि मैंने पुराने वीडियो में दिखाया था, उसका नंबर है भारत 01, तो उसको लगाना है। इसके लिए हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, इसका एक वेबसाइट है सर्विस ओंटेरियो का, तो आपका जो भी सिटी है वहाँ पर आप लोकेशन डालोगे। हमारे ऑटावा सिटी में ऑलमोस्ट 9 लोकेशन थे, तो मैंने सबका टाइम स्लॉट वगैरह चेक करके एक साउथ कीज़ में एक सर्विस ओंटेरियो का लोकेशन है वो मैंने बुक किया हुआ है। 10 मिनट की बुकिंग है, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं समय से, ऑलमोस्ट 9:51 हो रहा है और हमको पहुंचना है, एंड एस्टिमेटेड टाइम इज़ 15 मिनट्स। तो लेट्स सी, अगर वो अलाउ करते तो अच्छी बात है, वरना हमको फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जानकारी हम आपको तापमान का दे देते हैं। तापमान चल रहा है -1, बट जो कि कल बर्फ गिर रहा था तो आज उतना कुछ खास ठंडा नहीं है। कल से थोड़ा वेदर सनी होता जाएगा, तब हवाएं चलेंगी, मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा विंड स्पीड से तो ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो होगा। तो कल से, कल और परसों ये -15 -16 शायद टच कर सकता है, और उसके बाद अभी तक गाड़ी हमने नॉर्मल मोड में चला रही है, अभी तक हमने स्नो मोड में डाला नहीं है गाड़ी को, इतनी स्नो पड़ी नहीं है। तो बाकी ये हमको ट्राई करना है कि स्नो मोड में क्या डिफरेंस आता है अभी, क्योंकि गाड़ी 4-व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है, तो अभी तक हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है यूज़ करने की, कहीं भी स्लिप नहीं हुई गाड़ी, कहीं भी ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर कुछ नहीं हुआ। White paper that comes with this. With this one? Yeah, it's in the. तो अभी मैं सर्विस ओंटेरियो से बाहर आ गया हूँ और मैं इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब यहाँ पे भी सर्विस ओंटेरियो अपने इंडिया के सारे सरकारी ऑफिसर्स की तरह है, जहाँ पे लोग रिलैक्स करके काम करते हैं, चिल मार रहे हैं, हाई हेलो कर रहे हैं। तो काम थोड़ा ढीला था, हम आए थे 5 मिनट लेट आए थे, उसके बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी आओ कभी भी जाओ टाइप का सिस्टम चल रहा था, जो कि अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, तो आप टाइम से आए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहता है। आज मैंने बात किया इनसे तो बोले कि आज थोड़ा सा, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो इसके चक्कर में उतना भीड़ नहीं, अदरवाइज़ आप अपॉइंटमेंट के टाइम से चले तो बेटर है। इसके बाद हमने जो नंबर प्लेट दिया उसके अंदर में एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि काम का चीज़ है, तो वो उसका रिक्वायरमेंट होगी, वो देखती है शायद वेरीफाई करती है कि क्या है जो भी उसका सीरियल नंबर वगैरह, तो वो एक चीज़ है। हमारा विन नंबर वाला हमारा विन नंबर का एक डॉक्यूमेंट है जो आप कार खरीदते हैं, तो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन का रहता है वो आपको जो रिक्वायर्ड है, नंबर प्लेट, ये दो चीज़ रिक्वायरमेंट है। इसके बाद तीसरा आपसे मंगेंगे लोग ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद वो अपडेट करेंगे, एंड इन्होंने फिर नया हमको रजिस्ट्रेशन नंबर बना के दे दिया। अब इसके साथ एक और काम की बात ये है कि जो पुराना वाला जो प्लेट है आपका, उसको रिटर्न करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कैशबैक होता नहीं है, तो आप रख लो, वो करेंटली इनएक्टिव है, बट जब भी आप सेकंड कार लोगे तो आप उसमें वो लगा के उसको एक्टिवेट करा सकते हो। तो अभी हम वापस आ गए हैं कार के पास, हम स्क्रू ड्राइवर निकाल रहे हैं ताकि हम ये जो पुराना नंबर प्लेट है उसको निकाल दें एंड उसको हम सेफली रख दें, जस्ट इन केस अगर पुराना वाला नंबर प्लेट आपसे किसी ने ले लिया और चला रहा है, क्योंकि रजिस्टर्ड ये आपके पुराने नंबर पे, लास्ट रिकॉर्ड आपके नाम पे, तो कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसका एक चीज़ का ध्यान देना जो कि इसने 2-3 बार बताया डिस्क्लेमर करके, तो ठीक है।
सामने अंकल जी ये आए थे, हमसे ये खुल नहीं रहा था तो मैंने अलग टाइप का पाना था लाया और एक बार में निकाल दिया। तो गाड़ी में नंबर प्लेट लग गया है, दूर से आप लोग तो आप लोग देख के बताना कि आपको नंबर प्लेट कैसा लगा है। आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको नंबर प्लेट कैसा लगा है। हमने इसके लिए स्पेशली हम वैसे ओनली भारत बुक करना चाह रहे थे बट वो अवेलेबल नहीं था, तो उसके चक्कर में हमने ये भारत 01 करना पड़ा हमको। और एक सनातन करके एक वाला था तो उसमें NI नहीं आ रहा था, NE आ रहा था, तो उसको भी हमने छोड़ दिया। अगर आपको कोई भी ऊबर इस टाइप का कोई भी कमर्शियल काम करना है तो एक ना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगता है क्योंकि आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। तो नई गाड़ियों के साथ ये पहले से सिक्योरिटी चेक होके आया रहता है। हमको जो डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं मिला तो हम थोड़े जिस बंदे से हमने गाड़ी ली उसको हम पता कर रहे हैं, अगर उसके पास हो या मतलब हाँ अगर उसके पास हो तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो हम क्योंकि ये गाड़ी अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है तो हम उससे विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी हम उससे वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो अभी हमने कॉन्टैक्ट किया लेकिन उसने कॉल कर दिया, तो हम सोच रहे ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट चले जाते हैं। 7 मिनट की दूरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो ये जितनी बर्फ दिख रही है ये सिर्फ आज की बर्फ है, कल तक नॉर्मल था, रात भर बर्फ गिर रही है, पूरा हर चीज़ वाइट हो गया। अच्छा काम की बात, अभी हम यहाँ सर्विस पार्ट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट में गए थे तो हमने फ्लोर मैट के बारे में पूछा, तो कहना ऐसा है कि 3 to 4 months का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद भी हम एग्जैक्ट वो नहीं पता कंफर्मेशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब यही है कि दूसरी जगह से देख लो। तो उन्होंने दो कंपनी बताई है, एक है टक्स मैट TUX MAT और दूसरी वेदर टेक। तो ये दूसरों ने भी रिकमेंडेशन किया था इस बारे में, इस दोनों ब्रांड के बारे में, तो हमको ये देखना है कि ओके मतलब दोनों के ठीक ठाक प्राइस में जो दोनों फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों के जो हमको फ्लोर मैट दे रहे उसका हमको ले लेना है क्योंकि सब में वही है। ये इसमें क्या होता है ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, तो जितने विंटर वाले रहते हैं वो प्लास्टिक के रहेंगे, ऐसे कपड़ा नहीं रहेगा, ऊपर से ऐसे उठे रहेंगे। तो जैसे ये आपका जैसे विंटर वगैरह में ये जो भी में स्नो वगैरह गिरा हुआ है सीधा उसको उठाने का ट्रे को और ऐसे झड़ा देने का। ओके okay.